लेकिन उनको वापस लेना पड़ा और राष्ट्रीय और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता। ये स्थिति आज झेल रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह फिर जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। इसके बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए कल ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक बयान देते हैं कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को एक कार्यक्रम में पहुंचना होता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं लेकिन 2.5 घंटे विलम्ब के बाद वहां तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और इसका कहीं ना कहीं इसको जोड़ के देखा जाए ललन सिंह के बयानों के साथ, लेकिन इसके बाद ही ललन सिंह आज अपनी उस बातों को खंडन किए हैं, बोले ऐसा कोई बात नहीं है, जो हमारे नेता नीतीश कुमार कह रहे हैं वही सही है। उसके बाद उस बयानों से सीधे वो पलट जाते हैं। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अड़े हाथों लिया है उस बयानों को और इस पूरे कार्य प्रणाली को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर सत्ता में नहीं है पूर्ण रूप से तो इस तरह की हरकत कर रही है। अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते हैं तो फिर क्या होगी, एक मुख्यमंत्री को किसी अपने मंत्री के लिए इतना देर इंतजार करना पड़ रहा है तो ये आप समझ सकते हैं कि उस मुख्यमंत्री कितना लाचार और क्या है। क्या कुछ कर रहा है उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है, किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है इनको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बोल रहे थे, हमने कहा एक विधायक, माननीय विधायक के बारे में जब उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री जी से कहा और दिखावे के लिए बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी जो स्थिति आज झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह फिर जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। और राष्ट्रीय और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के आने के लिए। कुल मिला जुलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, जो रोज अब दिख रहा है। और यही बात हम लोगों से कह रहे थे और हम जो कह रहे थे वही सच है। तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में कहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं है। देखिए हम जो बोल रहे थे अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है, जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट। नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हमने नहीं कहा। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापिस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापिस लेनी पड़ी और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं नहीं नीतीश जी ने जो किया है कहा है वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने, उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, उसी का असर था। इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापस हो जाएं, अलग बात है,
लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी या सोच कर भी अंदर से दिल ही टूटता है। अभी सत्ता में पूरे तौर पे नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश जी, और तब मुख्यमंत्री की स्थिति, और कल पूरे तौर पे सत्ता में आने के बाद नीतीश जी के लोग जो बिहार भर में हैं उनकी क्या दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बनाएंगे। या ठीक है कि हम लोग ऐसी स्थिति नहीं आने दें, नहीं आने दें, इसलिए हम लोगों ने किस रूप में संकल्प लिया है, वो इन्हीं संकल्पों के साथ हम जा रहे लोगों के बीच में, लोगों को आगाह कर दे वैसी स्थिति नहीं आने देने का काम करना है। मुख्य रूप से आज यात्रा के माध्यम से हम जाएंगे लोगों को यही बताने के लिए कि जो दुर्गति आगे आने वाले दिनों में हो सकती है उससे बचने का रास्ता है। आइए आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, अपने महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सर झुकाते हुए यही आम लोगों से भी हम आग्रह करते हैं। लेकिन आज जो उनकी स्थिति हो गई है, अब नीतीश कुमार जी बिहार के इतने लंबे काल सबसे ज्यादा दिनों के मुख्यमंत्री, और उनको अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के इंतजार में, किसी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा इंतजार करना पड़े, यह देखकर अंदर से मन बहुत दुखी होता है। क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की, 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के लिए, और वह भी कोई बाहर से आ रहा हो, फ्लाइट में देरी हो गई, कोई और कारण हो गया बड़ा, वह नहीं पटना में रहते हुए अपने घर से निकलकर 4 कदम की दूरी पर 10 मिनट में जाना है, और वहाँ मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना पड़ा। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होगी। तो अब जो स्थिति बन गई है, मुख्यमंत्री जी आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कब उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बना दी है, और मुख्यमंत्री की यह दुर्गति है तो जनता दल के लोगों को, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को सोचना चाहिए। आज नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल के लोग बना रहे हैं, पूरे तौर पे अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब कल यदि सत्ता में आरजेडी के लोग आ जाएंगे तो बिहार भर में जो नीतीश कुमार के लोग हैं उनकी तब क्या दुर्गति होगी यह सोच कर भी अंदर से दिल ही टूटता है। अभी सत्ता आपने देखा और सुना और साथ में समझा भी कि नीतीश उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को आरजेडी कैसे उनको घेरे हुई है, और एक तरफ वो एक उदाहरण देते हुए उपेंद्र कुशवाहा भी नजर आए कि एक गांव में कहावत है कि एक धर धर एक दूसरे का था मार, मतलब उनका कहना था कि एक जो मारने वाला होता है वही उसको बचाता भी है और उसको मार भी चलाता है। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने इस चीज को पेश किया नीतीश कुमार को लेकर। आपने देखा जिस तरह से आपने देखा वीडियो, आपको साफ समझ में आ गया होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या इशारा था। इसी अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।